नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे होलिका दहन की रात्रि को हम ऐसी कौन सी पूजन अर्चन करें या फिर हम मंत्रों का जप कैसे करें कि हमारे लिए कल्याणकारी हो और लाभकारी हो। दोस्तों, हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार वर्ष में कुछ ऐसी रात्रियां आती हैं जिसमें हम यदि जप तप करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अधिक फलदायी होता है अन्य दिनों की अपेक्षा। तो उनमें से एक प्रमुख रात्रि है होली की रात्रि। होली की रात्रि इन द सेंस कि होलिका जिस दिन जलती है, होलिका दहन जिस दिन होता है, वही प्रमुख रात्रि मानी जाती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की रात्रि, उस दिन यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, वो हमें बहुत ही अधिक फलदायी होती है। दोस्तों, इस दिन सभी लोग तंत्र साधना करते हैं और भी बहुत सारे टोने टोटके करने का विधान बताया जाता है। लेकिन यदि हम अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए यदि किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो उसका भी फल हमें अत्यधिक मिलता है। इस दिन होलिका दहन के बाद, जब आपके आसपास में होलिका दहन हर जगह होता है, दोस्तों होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण भी होता है, साइंटिफिक रीजन भी होता है, क्योंकि जब भी सर्दियां समाप्त होती हैं और गर्मियों का आगमन होता है, तो ऐसे में जो सर्दी और गर्मी का संधि होता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कीट पतंगे वायुमंडल में व्याप्त हो जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो होलिका दहन की परंपरा होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हितकर होती है। और जब होलिका दहन होता है उसमें ऐसे बहुत सारे विशेष प्रकार की औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी वायुमंडल को शुद्धि करने में बहुत सहायक होते हैं, जिससे हमारे जीव जंतु और हमारे जो जानवर होते हैं और हम मनुष्यों के लिए तो कल्याणकारी होता ही होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी होलिका दहन का बहुत ही महत्व होता है। तो आप इस दिन जप कर सकते हैं और कैसे करेंगे वो तरीका हम आपको अवश्य बताएंगे। दोस्तों, जप करने के लिए आप होलिका दहन के बाद का समय चुने, वही अति उत्तम होता है। और ऐसे में आप स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने शरीर अपने मन को शुद्ध करें। वैसे तो इस दिन बहुत ज्यादा आपको आचार विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मंत्र और मन शुद्ध होना अति आवश्यक हो। उसके बाद आप एक आसन पर बैठ जाएं। आप चाहें तो हमने एक मंत्र जपने की क्या सही विधि होती है उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप साधारणतः अपने मन को और शरीर को शुद्ध करके एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने प्रिय मंत्र, जो इस मंत्रों में आपकी आस्था हो, जिस ईश्वर में आपकी आस्था हो, उन मंत्र को जप सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हनुमान जी में आपकी बहुत ज्यादा आस्था है यदि, तो आप हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। या फिर आप अन्य कोई देवी देवता में, जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि आपको कोई चाहिए, तो आप लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे मंत्र होते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम एक एक करके हर देवता से रिलेटेड एक मंत्र डिस्क्रिप्शन में अवश्य आपको लिख कर दे सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो। तो आप इन मंत्रों का जप करें, और नहीं तो आप यदि इन मंत्रों को जप करने में कोई आपको हिचकिचाहट है, कोई संकोच है, दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा कवच है उसे आप पढ़ के अपने लिए एक कवच बना सकते हैं, यानी कि आपके वातावरण का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जिन मंत्रों का जप करें या फिर आप किसी भी पाठ को करते हैं, कम से कम 11 बार करना अति आवश्यक है। आपको 11 बार करना है, और जब भी आप मंत्र जप करें, आप अपने सामने एक छोटे से पात्र में गंगा जल अवश्य रखें। गंगा जल से उस मंत्र का प्रभाव उस जल में आएगा, और उस फिर जल को आप अपने प्रिय जनों पे, अपने परिवार पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मंत्र जप करने के बाद उसका अपने आप पूरे घर में छिड़काव भी कर सकते हैं, और जो भी व्यक्ति है थोड़ा थोड़ा आप उसे प्रसाद स्वरूप दे भी सकते हैं। तो इस तरह का काम आप अवश्य करिएगा। आप
हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे यदि आपको विशेष प्रकार की सिद्धि चाहिए किसी खास मनोकामना के लिए तो 100 बार पाठ करने का विधान बताया जाता है जो कि हनुमान चालीसा में ही व्याप्त है। लेकिन यदि आप 100 बार नहीं कर सकते हैं तो 11 बार अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे कि इस दिन विष्णु नारायण का दिन होता है, एक तो पूर्णिमा का दिन है, दूसरे आपने सुना होगा जो उससे रिलेटेड कहानी है, जो हमारी कथा प्रचलित है भक्त प्रहलाद की, उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया था, भगवान विष्णु का ध्यान किया। मंत्र इस प्रकार है, जैसे कि आप गणपति जी का यदि मंत्र जप करना चाहते हैं तो बहुत ही सरल मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस तरह से मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रभावकारी होता है। या फिर ओम नमो नारायणाय नमः, इस तरह का मंत्र जप सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं दोस्तों, हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य अलग अलग देवी देवता से संबंधित अलग अलग तरह का मंत्र अवश्य लिख कर देंगे जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे मंत्रों का जप अवश्य करें और इस रात्रि का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और मंत्र जप करने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है कि मंत्र ही जप करने से हमारे शरीर में या हमारे परिवार में, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं दूर नहीं होती हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अपने घर में सभी सदस्यों का सम्मान करें, अपने बड़ों बुजुर्गों को आशीर्वाद अवश्य लिया करें, समय समय से आप मंदिर या फिर किसी धर्म स्थल में अवश्य जाएं, अपने बच्चों को यानी कि छोटों को सम्मान दें, प्यार दें, उन्हें दुलार दें, और किसी भी अन्य सदस्य से आप बिना वजह के जिरा बहस में ना पड़े। इस तरह की छोटी छोटी जो बातें होती हैं व्यवहारिक सांसारिक, उसे आपको भी ध्यान में रखना चाहिए मंत्रों का जप करने के साथ साथ में। ऐसा नहीं होता कि आप मंत्र जप करके उठें और फिर अपने घर में कला कलेश करने लगे या छोटी छोटी बात पे नाराज होने लगे, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इस रात्रि का पूरा पूरा लाभ उठाएं। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।